वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर सेफ एंड फाइन एट होम। आज की हमारी रेसिपी है बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी। आप बना सकते हैं वो भी इतनी मसालेदार और इतनी टेस्टी। ये देख सकते हैं आप कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये देखिए बिना लहसुन प्याज बिना मसाला पीसे हमने ये आलू गोभी बनाई है। एकदम सुपर क्रंची एंड टेस्टी दिख रही है, खाने में भी बहुत यम्मी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मीडियम साइज़ के मैंने आलू कट कर लिए हैं और बड़े साइज़ की गोभी में से आधा गोभी का फूल कट कर लिया है। बड़ा साइज़ का एक टमाटर, दो हरी मिर्च कट करी है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है टेबलस्पून, और उसमें मैंने एक डाला है बे लीफ, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और 2 लौंग, और मैंने डाल दी है 4 काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने के बाद उसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एंड थोड़ा स्पाइसी मसालेदार बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून डाले हैं गरम मसाला एंड 2 टीस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आधे मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ढक करके रख देंगे, जिससे कि हमारे मसाले और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। हल्का सा टमाटर को मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने चमचे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए आलू गोभी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने से क्या है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और क्रंचीनेस भी नहीं आती है। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक करके पका लेंगे। टोटल 3 से 4 मिनट का टाइम इसको पकने में लगेगा मीडियम फ्लेम पर। लो टू मीडियम फ्लेम हमें इसकी रखनी है। जितना हम कम आंच पर पकाएंगे उतनी ही क्रंचीनेस इसमें आएगी। बीच में हमें एक बार इसको चला देंगे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और ये वीडियो आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। देखिए हमारी क्रिस्पी मसालेदार आलू गोभी बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने कटे हुए धनिया पत्ती डाल दिए हैं, और अब हम इसको सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, या फिर राइस के साथ साइड डिश के रूप में। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मिनटों में बनने वाली आलू गोभी मसाला है। ज़्यादा इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ना ही मसाला पीसने का या फिर किसी और चीज़ का, ना टमाटर प्याज काटने का। टमाटर हमने कट किया है, प्याज लहसुन इसमें नहीं डाले हैं फ्रेंड्स हमने। तो इसके बाद अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।